तो कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन सीखा था, जो कि मैंने बताया था के सी से डिनोट करते हैं। आई होप ये समझ में आया हो, कल के लेक्चर में यहां तक देख लिया था। के सी कैसे निकालते हैं, तो के सी इज इक्वल टू शॉर्टकट में बताया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी पावर इसकी जो मोल है, जो भी मोल है, 1 मोल 3 मोल जो भी हो पावर में चली जाती है, डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर इसकी जो मोल है वो होगी। अब ये नहीं मोल माइनस मोल सर, दोनों की पावर सेम है तो माइनस कर देते हैं, पी माइनस आर टू दी पावर मोल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट की मोल्स, रिएक्टेंट की मोल्स, जैसे एग्जाम्पल का जो मैंने दिया था कि एच आई डिकम्पोज टू गिव 2HI, पहले बैलेंस कर लेंगे, बिना बैलेंस के नहीं लिखेंगे, H2+I2, इसकी KC लिखनी हो तो KC मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म में अभी हम लोग कुछ देर के बाद अभी बात करने जाएंगे प्रेशर के टर्म में, कि भाई साहब प्रेशर टर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहले कंसंट्रेशन टर्म में देखते हैं, तो KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये हुआ और रिएक्टेंट ये हुआ, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन चेक करते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू H2 × I2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, एच आई है, और एच आई का जो अब पावर क्या रखे, तो इसकी मोल्स, इसकी कितनी मोल है, 1 मोल, तो पावर 1, इसकी 1 मोल है पावर 1, इसकी मोल 2 है तो पावर 2। 1 को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, 1 नहीं लिखते जनरली कहीं भी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को प्रेशर के टर्म में लिखना हो तो उसको बोलेंगे केपी। छोटा सा हेडिंग करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, छोटा सा एडिंग करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे केपी। ये कहां से प्रूफ होके आया था वो सारी चीजें कल के लेक्चर में दिया, आज के लेक्चर में इसको थोड़ा ध्यान देना, केपी बोलेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, क्लियर होगा। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर सेम टू सेम केपी लिखनी हो, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, एक नाम है, एक सिंबल है केपी। इसके टर्म में कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो सेम रिएक्शन देखते हैं। तो केपी इज इक्वल टू, फॉर सेम रिएक्शन, केपी इज इक्वल टू सेम रिएक्शन, फिर से लिखना तुम लोग, अब तुम लोग ये नहीं कि छोड़ देना, फॉर सेम रिएक्शन ऊपर और हेडिंग नीचे में है, तो फॉर सेम रिएक्शन केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, सुनना, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, क्योंकि प्रोडक्ट में दो है तो दोनों का लिखिए, इंटू होते हैं, डिवाइडेड बाई, सुनते चलना, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एच आई है और एच आई का पावर, ये पावर चला जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर, दिस इज अवर केपी, अवर नहीं तुम्हारा भी, ठीक है, मेरा भी, सबका केपी यही है। अब वही बात ये है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसको भी देख लो, क्योंकि मैंने पार्शियल प्रेशर के बारे में पहले बात कर चुकी है। क्या बात की है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, बोलो ये बात हो चुका था कि नहीं हम लोग के बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूशन, बोलो ये बात हो चुकी है कि नहीं। अगर ये बात थोड़ा सा याद होगा तो यहाँ पे ये थियरी, ये फॉर्मूला हम लोग जरूर यूज करेंगे। कभी कभी हम लोग के क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर नहीं दिया होता है और पार्शियल प्रेशर नहीं देके हम लोग क्वेश्चंस में दे रखा होता है टोटल प्रेशर और दे रखा था मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकाल के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पार्शियल प्रेशर आता है। ये थोड़ी देर में अभी हम लोग न्यूमेरिकल से करने जा रहे हैं, सब कुछ देखेंगे इजी वे में, सब कुछ देखेंगे। अब छोटी सी चीज जो है हम लोग छोटी सी हेडिंग करेंगे इसमें, सुनना, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और, जैसे NH3 है डिकम्पोज टू गिव N2+H2, पहले बैलेंस कर लेंगे 3 2, बोलो इसके बाद इसका केपी लिखना हो तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है N2 और H2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर ये हो जाएगा 3। आई थिंक अब लिखने सबको आया होगा, क्योंकि अब लिखने नहीं आएगा तो कब लिखने आएगा, यहां से जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पावर होल 2, ये NH3 है जी, NH3 का पावर होल 2, थोड़ा सा दिखने का होगा ड्यू टू दिस वन। ठीक है, ऐसे केपी लिखेंगे, छोटा सा हेडिंग करेंगे अगर इसको मिटा दो तो, क्योंकि अब जो हेडिंग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस मेनली आता है। ये क्यों ऐसा मिट नहीं रहा आज,
ठंडा है ना हम लोग का साइड काफी ठंड है, देख रहे हो स्वेटर पहन पहन पर आना होता है। देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, बस देखते चलना इस समय, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी हेडिंग कर लो एंड देखते चलना, कुछ भी छापने की कोशिश नहीं करना, बेकार सा कोशिश होगा छापने की कोशिश तुम लोग की, एकदम बेकार सी कोशिश होगी, छापना नहीं अभी, बस समझते चलना है, ठीक है। चलो दिख रहा है ना, गुड मॉर्निंग निर्वय, 105 डॉट निर्वय, वेरी गुड निर्वय। चलो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी देखते, चीजों को समझना थोड़ा सा, चीजों को कैसे समझेंगे, हमारे पास शुरू में रिएक्शंस था, शुरुआत फिर से करते, कल यहाँ पे हुआ था शुरुआत, आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं। सुनना, हमारे पास कल का क्वेश्चन रिएक्शन था, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स, एरो लगाते दोनों साइड, इक्विलिब्रियम विद सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। चलो कल यहाँ पे खत्म किए थे, वहीं से शुरू करते हैं। इसका केसी लिखना था तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, अभी फिर से बताया है, कल भी बताया था, कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू दी पावर सी इंटू डी टू दी पावर डी, जो भी ये कंसेंट्रेशन है उसकी ये मोल है, मोल पावर में चला जाता है, मोल पावर में चला गया, ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी, यही होती है क्या, बोलो किसकी किसी को दिक्कत है, ये कंसेंट्रेशन होता है भाई साहब, इसको कंसेंट्रेशन बोलते हैं, ये कोई ब्रैकेट नहीं है कि हमने दिखा दिया ये ब्रैकेट है, ऐसा कुछ नहीं, ये कंसेंट्रेशन है। एंड कंसेंट्रेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो तुम लोगों को बताया गया है, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, मोलारिटी को कंसेंट्रेशन बोलते थे एंड मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी भी बोलते थे, ये फर्स्ट लेसन में मैंने बोला था और उसको याद रखने को बोला था, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ करेगा। सुनना, मोल बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन, चलो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, चूंकि हम लोगों को क्या करने हैं, कंसेंट्रेशन के टर्म में केपी नहीं लिख सकते हम लोग, केपी कैसे लिखेंगे, केपी लिखेंगे प्रेशर के टर्म में, अभी तो देखा प्रेशर के टर्म में, तो कंसंट्रेशन को प्रेशर में चेंज करना है, एक ही फंडा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो हम लोग जानते हैं उसी को यूज करेंगे और मोल बाय वॉल्यूम आ जाएगा, एंड मोल बाय वॉल्यूम को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो फॉर गैस ए की बात करें, फॉर गैस ए यहां पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ कंसंट्रेशन लिख सकते हैं या फिर एन बाई वी लिखी छोड़, फॉर गैस ए, ए के लिए बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मोल बाई वॉल्यूम को कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, बोलो कोई दिक्कत इसमें। सेम टू सेम अगर मैं बी की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, सॉरी बी आर टी, सी की बात करो तो सी कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, बोल ना, चलो कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की बात करो तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, बोल ना, यही तो बातें होंगी, यहां से रिलेशन देख लिया, फॉर गैस ए बी सी एंड डी लिख लेते हैं, चारों को जब लिख दिए हैं तो चारों लिख लेते हैं एक ही में, ए बी सी एंड डी, प्रेशर जो हम लोग, एंड वी नो दैट, अब शुरू कर लेते हैं, वी नो दैट केपी इज इक्वल टू, सुनना केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ए का पावर कितना हो जाएगा, उससे पहले सी होगा ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर ये सी हो जाएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर ये वाला डी हो जाएगा, बोलो यही ना जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये वाला ए पावर चला जाएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये वाला बी पावर चला जाएगा, ये होगा अपना केपी, ठीक है। ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, ये पूरे को, ये डी तक को फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे, ये सेकंड कर लेंगे, या फिर इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं, इसको थर्ड कर लेते हैं, तो बोल सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड को कोशिश करते हैं कि हम लोग पी सी को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन सी आर टी, तो केपी को केसी के टर्म में बदलना है, तो केपी तो है ही, अब हम लोग इस पी सी को यहां से पुट करते वैल्यू सी आर टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी
होल का पावर, क्योंकि पी सी का वैल्यू हुआ और यहाँ पी सी का पावर सी है, होल का पावर सी। ठीक, थोड़ी सी लंबी है लेकिन कहानी बड़ी मजेदार है। इसमें लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी होल पावर डी, सिमिलरली अब समझ गए होगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी पावर बी। बोलो क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग आर टी का पावर सी, आर टी का पावर डी, आर टी का पावर ए, आर टी का पावर बी, सब आर टी ही है, आर टी को अलग करते हैं हम लोग, केपी है, सॉरी केपी है, केपी है। तो केपी इज इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, सी टू दी पावर सी, सुनते चलना, डी टू दी पावर डी, इन सबको अलग करते हैं, ए टू दी पावर ए, ये देखो अब समझ में आ गया होगा क्या कहानी, बी टू दी पावर बी जाने वाला है। बोलो अब समझ में आया होगा, इसको हम लोग केसी बोलते हैं क्या? ठीक है, तो फ्रॉम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, दिस वन इज केपी, तो केपी इज इक्वल टू केसी। अब आरटी वाला लिख लेते कहानी, यहां आरटी आरटी सेम है, जब दो बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो सी प्लस डी डिवाइडेड, ये नीचे में आरटी है, आरटी ए प्लस बी। अच्छा, जो दो चीज डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सुनना, हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से केपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा केसी, और आरटी जो है अभी ऊपर वाला पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, बस देखते चलना था, लिखना नहीं था, लिखने के लिए घर पे टाइम देंगे, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। मीन्स ये क्या है, आखिर हम पूरी बात कर लें, ये क्या है, मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन, सॉरी रिएक्टेंट इन इन व्हाट, गैसियस फॉर्म, ये जरूर याद रखना, अगर गैसेस फॉर्म में ये नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में होता, तो मैंने कल ही क्या बताया था, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, तो सॉलिड फॉर्म को वन ले लेंगे, मतलब ये टर्म ही हट जाएगा यहां से, इस टर्म को लेंगे ही नहीं, कल ही क्लियर किया था हेट्रोजीनियस होने के कारण, अगर ये होमोजीनियस हुआ, सारे गैसेस हैं तो गैसेस होंगे तो रहने देंगे, तो अगर ये गैसेस है तभी इसके मोल्स काउंट होंगे, गैसेस नहीं है सॉलिड है तो ये पूरी टर्म ही हट जाएगी, ये डी टू दी पावर डी, ये पावर डी तो खत्म ही हो जाएगा, ये डी खत्म हो जाएगा, मीन्स अगर ये डी खत्म हो गया तो ये गैसेस नहीं था, इसलिए इसके मोल्स को नहीं ऐड कर रहे, तो यहां पे जो भी है सी प्लस डी ये गैसेस मोल्स है, गैसेस मोल्स, ए प्लस बी ये दोनों गैसेस मोल्स होंगे तभी संभव है। तो यहां पे एक चीजें क्लियर होके आएंगी, यहां पे थोड़ी सी लिख लो, लिख नहीं लो, एक स्क्रीनशॉट डाल लो, क्योंकि ये तुम लोग को मिल जाएगा आराम से, घर पे बैठ के लिख लेना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा थोड़ी सी ऊपर में, यहां मिटाता हूँ, ठीक है, यहां मिटाता हूं, देखना यहां पे एक टर्म आएगा केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, बोल दे क्या एनजी, जी फॉर इन गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज में नहीं हुआ भाई साहब तो ये नहीं लेगा। यहां देखना डेल्टा एनजी क्या है, इसी को देखना बहुत जरूरी है, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। अब इससे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, अब वो क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं अब दिखाता हूं तुम लोग को, मेरा मार्कर कहाँ गया, ब्लू वाला है यहीं पे, चलो इसको मैं मिटाता हूँ, देखो क्वेश्चंस किस टाइप से बनता है। अब इतनी तो प्रूफ करके आई, इतनी प्रूफ करके तुम लोग को कुछ भी नहीं रखने है दिमाग में, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रखने है दिमाग में कि ये सब इतनी प्रूफ करके आ रही है, मीन्स इतनी प्रूफ करके हमको क्वेश्चंस बनाने होंगे क्या सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आराम से हमको ये वाली फॉर्मूला पचा जाने हैं, कभी कभी क्वेश्चन किस टाइप की पूछती है वो भी मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से किस रिएक्शन का केपी ग्रेटर है केसी से, किस रिएक्शन का केसी ग्रेटर है केपी से, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि केपी एंड केसी का रिलेशन क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर केपी इस रिएक्शन का ये है तो इस टेम्परेचर पे केसी क्या होगा। ठीक
ठीक है, तो सारी तरह की क्वेश्चंस एक एक करके मैं लिखता हूँ, हर टाइप की क्वेश्चन एक एक दूंगा, हर पॉसिबल टाइप्स, लेकिन छूटनी नहीं चाहिए इसके बाद, क्योंकि हम हर पॉसिबल टाइप्स की क्वेश्चंस कराते हैं। पहली बात, पहली क्वेश्चन देता हूँ, CaCO3 है, क्वेश्चन में लिख लेना राइट रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इसमें रिलेशन बताने हैं केपी केसी की, क्या रिलेशन है। CaCO3 है जो सॉलिड है, CaO जो है वो सॉलिड है, CO2 जो है वो गैस है, ठीक है। केपी केसी की रिलेशन बतानी है, हेडिंग क्वेश्चन में था, क्वेश्चन था एग्जांपल्स के रूप में, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, क्वेश्चन में लिखना रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। लो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, लो थोड़ा सा इधर कचड़ा हुआ है लेकिन ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एन जी। अभी टेम्परेचर नहीं दिया है बस, इसीलिए तो रिलेशन पूछ रहा है, टेम्परेचर दे देता, केसी दे देता, तो केपी आराम से कैलकुलेट हो जाता। तो यहाँ पे बस देखते चलना, सुनना, डेल्टा एन जी कितनी है पहली बात यहाँ पे, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस इन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितनी गैसेस मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट में कितनी है, जीरो, तो वन माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू वन। कोई गलती से 2 माइनस 1 भी करेगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन यहां गलती से सही हो जाएगा, बार बार गलती से सही नहीं होगा बच्चों, इसको वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, नहीं तो ये आय हाय जवानी ले डूबी वाली हाल हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी गलती सब कुछ नष्ट कर देगा, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा। तो केपी इज इक्वल टू हम लोग आराम से लिख सकते हैं के सी आर टी का पावर 1, मीन्स केपी इज इक्वल टू के सी आर टी, हो गया रिलेशन। अब क्वेश्चंस में ये भी पूछेगा, चार ऑप्शंस देगा और पूछेगा इसमें से किसकी केपी और केसी बराबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी के ही क्वेश्चन करेंगे दो तीन, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे 2HI गैस है, डिकम्पोज टू गिव H2+I2, दोनों गैस है, ये मैंने कल ही बताया था सारी को, गैस सॉलिड लिख के देने होंगे, अगर गैस सॉलिड लिख के नहीं दे रहा है मीन्स तुम लोग को बेवकूफ समझ रहा है, इडियट समझ रहा है। नहीं चलो केपी लिखनी हो तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी। अच्छा यहाँ डेल्टा एनजी कितनी है बताओगे, कोई बताएगा डेल्टा एनजी कितनी है, मैं रुकता हूँ तो ही सेकंड के लिए, स्टॉप एनजी क्या होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एनजी जब भी कैलकुलेट करना हो तो क्या बोला गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सुनना, 1 मिनट में डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस करना है, जबकि बस एक ही चीज याद रखना है कि गैसियस फेज में जो होंगे उन्हीं के मोल्स काउंट होंगे, जो भी गैसियस फेज में होंगे उन्हीं के मोल्स काउंट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये देखो I2 गैसियस फेज में है, मैंने 1 मोल, H2 गैसियस फेज में है 1 मोल, तो प्रोडक्ट कितने मोल हुए, 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये भी गैसियस फेज में है मीन्स इसके मोल्स काउंट होंगे 2 मोल्स, तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, डेल्टा एनजी हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 पुट करूँ तो थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर में स्पेस अब खत्म हो चुका है, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर बेंड कर देता हूँ, इधर दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो केपी इज इक्वल टू आराम से मैं बोल सकता हूँ क्या, के सी आर टी का पावर डेल्टा एनजी जो निकल के आया है वो है 0। किसी भी चीज का पावर जब 0 करते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, ये मैथ्स में सिखा होगा बचपन में। तो केपी इज इक्वल टू के सी, तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछी जाती है, चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से किस रिएक्शन के लिए केपी के सी के बराबर होगा, तो किस रिएक्शन के लिए केपी के सी से बराबर होगा जिसकी डेल्टा एनजी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले थोड़ी सी ये जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, डेल्टा एनजी वाला। अभी एक रिएक्शन और देता हूँ, चलो इसमें लिखेंगे N2+3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3, दिस इज गैस, ऑल आर इन गैसियस स्टेट, क्लियर। अब मैं अगर केपी लिखूं इसकी, तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी होता है क्या, दैट मींस अगर मैं बात करूं, सुनना, डेल्टा एनजी यहां पे क्या होगा, तो ब्रैकेट में कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू, सर अभी आपने बोला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 2 मोल है गैसियस माइनस रिएक्टेंट 3+1 4 मोल है, मींस दैट इज इक्वल टू -2। देखना
यहाँ माइनस टू पावर में पुट करूंगा तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर माइनस टू। किसी भी चीज का पावर माइनस होता है मीन्स वो डिवाइड में चला जाता है, ये चीजें पते है ना, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का स्क्वायर। बोलो, कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी बोलता है कि केपी बाई के सी इस रिएक्शन का क्या होगा, अगर टेम्परेचर टू स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोल देगा, मतलब टेम्परेचर भी दिया नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर तुम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होते। तो केपी बाई के सी निकालने, तो केपी बाई के सी इज इक्वल टू 1 बाई आर टी स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है ना। इस तरह के तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं बस केपी के सी के रिलेशन से। पहला, किसके केपी बड़ा है, एक रिएक्शन देगा बोलेगा इसका केपी बड़ा है या केसी बड़ा है। दूसरा, चार ऑप्शन देगा बोलेगा इस रिएक्शन में केपी केसी से बराबर है किसके, चारों में सर्च करने। तीसरा, केपी बाई केसी क्या होगा, टेम्परेचर दिया होगा तो वैल्यू निकल के आएगी, टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो 1 बाई आर टी स्क्वायर 1 बाई आर टी ऐसे फॉर्म में होगा। जैसे इसके लिए केपी बाई केसी अगर लिखें, खैर यहाँ केपी केसी का रिलेशन निकाल रहे थे, तो केपी बाई केसी लिखें तो 1 बाई आर टी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में 1 बाई आर टी स्क्वायर 1 बाई रूट आर टी, ऐसा रूट आर टी आर टी का होल स्क्वायर, चार ऑप्शन ऐसे पड़े रहेंगे तो 1 बाई आर टी का होल स्क्वायर इज आवर आंसर, ठीक है। अगर एक चीज़ें और कर लें, एक नोट करके पॉइंट लिखवाता हूँ पहले, उसके बाद में बात करता हूँ, ये लिखना नहीं अभी, लिखने के लिए टाइम मिलेगा, समझ जाओगे तो सब लिखा जाएगा, नहीं समझोगे तो सब लिखा हुआ लिपा पोता जाएगा। देखना इधर, अगर मैं और इस पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 से 5 पॉइंट होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये 4-5 पॉइंट में एक पॉइंट ये है मेरा इक्विलिब्रियम से, जिस पॉइंट को मैं बोल दूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को एकदम घोर मट्ठा कर दो, ये घोर मट्ठा जैसा ही है, एकदम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो इसमें नहीं आएगा, एकदम आसान भी है, ठीक है। देखने की कोशिश करें, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, फॉर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो तो के पी हो जाएगा इज इक्वल टू के सी। बोलो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इधर पे पुट करने का पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, अच्छा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो ये पावर में 1 2 3 4 आएगा ना, तो केपी जो होगा वो केसी में ये टर्म की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 1 2 3 4 है, पॉजिटिव है, मीन्स ये इंटू में रहेगा, तो जब केसी में इतने टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके केपी आएगा, मीन्स केपी बड़ा है केसी से, क्योंकि केसी में इतने मल्टीप्लाई करने पे केपी आ रहा है, जेन्युइन चीज है, तो केपी ग्रेटर देन के सी हो जाएंगे। फॉर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो मीन्स माइनस वन, तो वन माइनस पे पावर चला जाएगा अगर आरटी का, तो ये चीज डिवाइड में आ जाता है, तो केपी में इस चीज से डिवाइड करते हैं तब केसी में इस चीज को डिवाइड करते हैं तब केपी आता है। इसका साफ मतलब है केसी बड़ा था इसलिए किसी चीज से 2 से 3 से 4 से किसी चीज से डिवाइड किए तब जाके केपी आ रहा है, मीन्स केसी बड़ा है यहाँ, केपी लेस देन केसी। ऐसे याद रखने के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू है तो केपी भी इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू मतलब ये वाला साइन के साथ, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन साइन के साथ है तो केपी भी ग्रेटर देन साइन के साथ होगा। याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, याद मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले को, बस याद रखना, सब रिलेशन निकल के आएगा, लेकिन फिर भी किसी लोग को याद करने हो तो उनके लिए भी बताता हूँ, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू साइन के साथ है तो केपी भी इज इक्वल टू साइन के साथ होंगे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन साइन के साथ है तो यहाँ पे केपी भी ग्रेटर देन साइन के साथ होंगे, डेल्टा एन जी लेस देन साइन के साथ है तो केपी भी लेस देन साइन के साथ होंगे, आगे केसी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी पकड़े हुए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को लेके मैं तुम लोग के सामने थोड़ा सा रखता हूँ, लिखना न्यूमेरिकल्स में। पहला, इसमें वेरी गुड रिएक्शन सॉरी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखना द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज गिवन, फॉर ए रिएक्शन इज लिखना, गिवन नहीं लिखना, फॉर ए रिएक्शन इज, साइड में खुपचे में लिखते चलना, के सी इज इक्वल टू आई टू एच फाइव आईओ सिक्स का
होल 5 डिवाइडेड बाय आईओ 3 माइनस H2O H प्लस। लेकिन राइट डाउन इट्स केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन इट्स केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्वेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम नहीं, केमिकल इक्वेशन। अब सुनना थोड़ी सी कहानी को। मैंने क्या बोला था, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सुनना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मींस ये पूरी चीज प्रोडक्ट में चली जाएगी, ये पूरी चीज रिएक्टेंट में आ जाएगी। हो गया मेरा केमिकल इक्वेशन, ये रिएक्टेंट है मेरा। चलो 7H प्लस है, ये मोल्स ही तो होता है जो डिवाइड में चला गया। यहां लिखेंगे 9H2O प्लस 7IO3 माइनस। सो सिंपल। और इक्विलिब्रियम का साइन देना होगा क्योंकि दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। आप एक एरो दे के आगे नहीं निकल सकते हैं बिकॉज दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ऊपर के लिखते हैं I2 प्लस, इधर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो, I2 प्लस 5H5IO6। अब यहाँ पे ये एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयन है, हमें चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इस H प्लस को I माइनस, मतलब ये माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो पॉजिटिव 7 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मीन्स H7HIO3 के साथ IO3 7 माइनस है, मीन्स 7 नेगेटिव 7 पॉजिटिव दोनों जोड़ के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। 7HIO3 प्लस 9H2O इक्विलिब्रियम विथ I2 प्लस 5H5IO6। तो ये आयनिक था, ये केमिकल हुआ। तो ये एक सरल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को ये पूछने की कोशिश किया है कि केसी दिए हैं तो रिएक्शन कैसे लिखोगे। रिएक्शन दिया होगा तो केसी लिख लोगे, केसी दिया है तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, ये भी एक तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा रिलीज करूँ तुम लोग के सामने। लिखा है यहाँ तो आगे की क्वेश्चन पूछ दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन है। अच्छा आगे क्वेश्चन देते हैं, लिखा है क्वेश्चन लिखना, एट 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और वो रिएक्शन ये है। इसको मैं रब करता हूँ, सुनना CO प्लस O2 गिव्स CO2, इट इज गैस एंड इट इज ऑल्सो गैस। बैलेंस करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो जाएगा, बैलेंस हो गया। इसकी केसी दी हुई है तो केसी भी आगे में लिख लेना, 3.3 × 10⁻¹। इसको मिटाता हूँ ताकि इधर से दिक्कत ना आए। ठीक है, फाइंड केपी फाइंड करने हैं भाई साहब। हम लोगों को केपी इज इक्वल टू केसीआरटी, यही फॉर्मूले पे आएंगे और कोई नहीं है। हम लोग जानते हैं केपी इज इक्वल टू केसीआरटी का पावर डेल्टा एनजी। बोलो, क्योंकि केसी दिया हुआ है, केपी में जाना है, तो एक ही रिलेशन है और कोई रिलेशन है ही नहीं। इसी रिलेशन को यूज करते हैं और तेरी ढक्कन कहाँ चला गया। चलो इसी रिलेशन को यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में जरूर चेंज करना, नहीं तो वाट लग जाएगी। मैंने हर बार बोल के रखा है, कभी भी किसी भी कंडीशन में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर यूज नहीं होता है। बिकॉज कारण क्या होता है, कारण एक ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, SI यूनिट, वो केल्विन होता है। तो हम डिग्री सेल्सियस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो MKS सिस्टम हो चाहे वो CGS सिस्टम हो, टेम्परेचर इज इन ऑलवेज इन केल्विन, करंट इज इन ऑलवेज इन एम्पियर, इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन कैंडला।
ये सब बच्चे थे ना, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे जब तुम लोग नए नए एडमिशन लिए थे, नए नए आए थे, सर मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ाया था, याद करो, याद हो। चलो अगर वो याद होगा 25 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में चेंज करना तो 273 + 25 करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 273.15, मैं बोलूंगा ओके ठीक है, अभी मैं ओवरऑल 273 ही लेता हूँ, जनरली तुम लोग भी 273 लेना। लेकिन यही चीज अगर बोर्ड्स में लिखनी हो, आप बोलोगे सर 11th में बोर्ड्स थोड़ी होता है, मैं बोलूँ 12th में भी तो ये सब आएंगे, तो 12th में जब बोर्ड्स में लिखने हो तो 273.15 लिखना, इससे थोड़े इंप्रेशन अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखना, इंप्रेशन ही सब कुछ बनाता है। तो ये हो जाएंगे 298 केल्विन, पुट कर देंगे यहाँ पे, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो खुपचे में डेल्टा एन जी निकालते हैं, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कितने हैं 2 और 1 3 मीन्स -1, तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर -1 मीन्स किसी भी चीज का पावर -1 मीन्स डिवाइड, तो केपी इज इक्वल टू, चलो केसी की वैल्यू पुट करते हैं या फिर पहले रख लेते हैं केसी डिवाइडेड बाई आरटी हो जाएगा, पुट करते हैं केपी इज इक्वल टू व्हाट, तो केसी की वैल्यू 3.3 × 10^91, कुछ बहुत ज्यादा दे दिया है, डिवाइडेड बाई, चलो आर की वैल्यू 8.314 जूल में होता है, लेकिन एटीएम लीटर में 0.0821, ये पुट करेंगे, 8.314 नहीं पुट करना, वो जब भी जूल एनर्जी की बात आती है तब 8.314 पुट करते हैं, इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन, यहाँ 27 रखता ना तो 300 होता, 300 होता तो आराम से कैंसिल आउट करके वो आगे बढ़ते, लेकिन जो भी है इतनी हो जाएगी अपनी केपी। अब इसको कैंसिल कर लेना मोबाइल निकाल के, क्योंकि ये अगर क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे आते तो कैंसिल हो जाता, ऐसा नहीं होता। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक उसमें लिखा है, ये क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन लिखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, लिखना ये मैं मिटा देता हूँ, लिखना एट 25 डिग्री सेल्सियस केपी ऑफ द रिएक्शन इज, केपी ऑफ द गिवन रिएक्शन, लिखना एट 25 डिग्री सेल्सियस, कॉमा कर लेना, केपी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, केपी केपी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 0.14 atm, 0.14 atm, और रिएक्शन वो ये है N2O4 गैस इक्विलिब्रियम में 2NO2 गैस। चलो ये हुए हमारे क्वेश्चन, फाइंड केसी यार 25 डिग्री सेल्सियस दिया नहीं, क्या 25 डिग्री लगा रखा है जी, 27 देता तो कितनी बढ़िया रहती बात, चलो 25 ही दिया है। सेम क्वेश्चन है, बना लोगे आराम से, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी इधर खुपचे में निकालेंगे, 2 है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है 1, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो केसी की सॉरी केपी की वैल्यू दी हुई है 0.14, केसी निकालनी है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, पावर 1, चलो केसी आ जाएंगे मेरे हमारे 0.14 डिवाइडेड बाई 298 × 0.0821 जो भी आ जाए यहाँ से, ठीक है ये 300 रहता है ना तो मैं कुछ आगे बढ़ता, लेकिन मैं नहीं बढ़ूंगा यहाँ से, मैं ही फंस जाऊंगा, ठीक है। चलो इसके बाद एक मैं क्वेश्चन देता हूँ अपने तरफ से थोड़े से लेवलिंग करके, क्योंकि एन अवस्थी जब तुम लोग करने बैठोगे तो उसमें क्वेश्चन की लेवलिंग होगी, इतनी आसान में नहीं निकल जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बस एक क्वेश्चन, ठीक है, लिखेंगे इफ, सॉरी सॉरी एक मिनट, फाइंड केपी, अभी इसके बारे में आगे हम लोग चेक करेंगे, अभी इतनी ही पे खत्म नहीं होती है, इक्विलिब्रियम अभी बढ़ते जाएगी, अभी आगे बहुत कुछ आएगा, लेकिन फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन, फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन, दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन पहला लिखो, फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन, बिटवीन बिटवीन 2 ग्राम
2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम नहीं 16 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन ठीक है. इफ इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर नॉट सॉल्यूशन टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 2 atm सुनना क्वेश्चंस को मेरे को करने दो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. H2+O2 गिव्स H2 ये दे भी देगा नहीं भी देगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन है. बैलेंस करेंगे तो हाफ लेना पड़ेगा मीन्स 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो यही हमारे पास बच जाएंगे इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है ठीक है. सबसे पहली बात बोला है टोटल प्रेशर दे दिया है और केपी निकालने हैं. चलो ये लिक्विड होता है भाई साहब ये गैस है ये गैस है अगर दे देगा गैस तो ठीक है नहीं तो लिक्विड लेना है तुम लोगों को. चलो केपी लिखनी है तो केपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सॉरी प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O पावर टू है ना. चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर टू डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पावर वन बस बोलो यही होगा क्या. इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो बोलो चिल्ला के बोलो यस आई हैव डाउट कोई डाउट ना होगा. सुनना पार्शियल प्रेशर H2O का निकालना है भाई साहब तो पहले तो इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी क्योंकि टोटल प्रेशर दिया है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन. सर आपने उधर कुप्चे में किया था ऐसे कि टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे वो यूज यही है क्या. बिल्कुल लेकिन यहां पे लिक्विड स्टेट दे दिया है मतलब इसकी प्रेशर हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे वन कर देंगे डायरेक्ट हटा देंगे वन नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल मींस यहां पे H2O लिक्विड है ये क्या प्रेशर लगाएगा एज कंपेयर टू गैस कोई प्रेशर नहीं होंगे हटा देंगे तो Kp इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्योंकि अगर रिएक्शन में ये गैस होता सुनते चलना अगर ये रिएक्शन में गैस होता तो कहानी कुछ और होती. मैं गैस करके भी क्वेश्चन करके दूंगा ठीक है अभी 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 तुरंत इसी एपिसोड में. चल तो केपी इज इक्वल टू पहले हम लोग ये फिक्स हो गया ये हमारे आंसर हो जाएंगे जबकि पार्शियल प्रेशर जैसे ही मिल जाएंगे तो. चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. अब मोल फ्रैक्शन वहां निकाल लेते हैं कुछ भी निकाल ले क्या. सबसे पहले हम लोग को एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन. बोलो सबसे पहले हम लोगों को क्या करने होंगे सुनना मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो पहले मोल निकाल लेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम दिया है 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 मोल. मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 32. ये मोल निकालने के लिए स्पीड अप होंगे हम मोल निकालने के लिए नहीं रुकेंगे मोल ही निकालना तो दो दो तीन तीन लेसन में सीखे हो ठीक है. मोल फ्रैक्शन निकालने हो H2 का तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल बाय टोटल मोल तो मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ टोटल मोल. टोटल मोल कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 3/2 मींस होल 2/3 सॉल्व करके देख लो 2/3 ही आएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना है दिस प्लस दिस तो 1+1/2 ये सिखाया था मोलारिटी मोलारिटी में ठीक है. ये हो जाएगा 1/3 ठीक है सॉल्व करके देख लो ये आ जाएगा 3/2 ये आ जाएगा 1/2 2 से 2 कैंसिल 1/3 आ जाएंगे. चलो पुट करेंगे तो यहां पे केपी इज इक्वल टू हमारे पास 1/ टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. टोटल प्रेशर है 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का होल स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का होल 1 ठीक है. तो केपी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ टोटल प्रेशर 2 इनटू हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितनी है 2/3 जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर और यहाँ 2 × 1/3 जो भी आएगा उसका पावर 1 ही होगा. मींस केपी इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 इसको ऊपर भेजते हैं तो 27 डिवाइडेड बाई सुनते चलना 2 × 2 = 4 4 × 2 = 4 4² 16 16² = 32 इतने ATM केपी देख लो.
ठीक है अगर इसी को एपिसोड को चेंज करते हैं थोड़ी सी, सुनना, इसी एपिसोड में मैंने बोला कि इसको मैं गैस लेके सॉल्व करके दूंगा, पहले ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर से ये कहानी आएगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स में, मोल बाय टोटल मोल होता है ना, तो मोल बाय टोटल मोल में इसकी भी मोल को मैं काउंट करूंगा, क्योंकि अभी टोटल मोल में ये भी है। इसके बाद की बात बता दे, इसकी मोल्स कैलकुलेट करनी हम लोग को आने चाहिए, टू मोल से टू मोल, इसकी वन मोल से ये टू मोल, लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो लिमिटिंग एजेंट ये है, तो इसके वन मोल से इसकी टू मोल, तो इसके हाफ मोल से इसकी कितनी मोल बननी चाहिए, तो वन मोल। तो लिमिटिंग एजेंट निकाल के इसकी वन मोल कैलकुलेट करेंगे और वन मोल यहां रखेंगे, लिमिटिंग एजेंट सिखा दिया है, अभी लिमिटिंग एजेंट यहां पे मत पूछना, ठीक है। इसकी वन मोल यहां पुट करेंगे और मोल फ्रैक्शन में वन प्लस वन बाई टू प्लस वन, तब इसका मोल फ्रैक्शन आएगा, प्लस वन इसका मोल फ्रैक्शन, और इसका मोल अलग से निकालेंगे, और इसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इसका टोटल प्रेशर इनटू H2O का मोल फ्रैक्शन। अब H2O की मोल 1 आएगी करके देख लो, लिमिटिंग एजेंट लगा के यहाँ H2O की मोल 1 निकालो, अगर ये गैस होता तो, अब गैस है ही नहीं तो शुरू में ही मैंने इसको साइड किया, बोलो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेंस एडवांस और आगे की भी लेवल इस टच कर जाएगी ये क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा अगर, ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन लिखना फाइंड केसी ऑफ द रिएक्शन, केसी ऑफ द रिएक्शन, फाइंड केसी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इफ सेम क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सा टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं, टाइम थोड़ा आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना टाइम को, रहने दो सीखने के पीछे भागो। फाइंड केसी ऑफ द रिएक्शन इफ, सेम क्वेश्चन, तो क्या थोड़ा सा अलग कर देता हूं मैं, 7 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, इफ 7 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 4 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, 4 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बनता ही है ये सबको पता है। सर आप बोल देंगे शुगर, तो शुगर थोड़ी बना लेंगे, अमोनिया ही बनाएंगे, ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया। एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज, एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 1 atm, पी टोटल जो दिया है वो 1 atm दिया है। सुनना ये कहानी मैं शुरू करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ क्योंकि ये लिख लिया होगा तुम लोग, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 1 atm। चल यहां से कहानी शुरू करता हूं, पहले हम लोग को रिएक्शन लिखना होगा, N2 प्लस बैलेंस रिएक्शन 3H2 गिव्स 2NH3। अभी जो H2 वाला मैंने बोला था तुम लोग को इसी एपिसोड में करके दूंगा, उसी का ये अलग पार्ट है, फिर उसको करते तो सेम टू सेम करना पड़ता, ये थोड़ा अलग हो गया, अब मजा आ जाएगा। देखो ये भी गैसेस, तीनों गैसेस हो गए ना, अभी ये हटेगा नहीं, अब ये रहेगा। तो पहले हमको इसके मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स दिया हुआ है 7 ग्राम, तो 7/14 होता है नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा। यहां पे इसकी मोल्स निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, दी कितनी है 4 ग्राम और होता कितना है 2, तो 2 हो जाएंगे इसके मोल्स, इसके मोल्स हो जाएंगे 1/4, इसके मोल्स हो जाएंगे 1/4, इसके मोल्स हो जाएंगे 2। अब सुनना ये कितनी मोल्स फॉर्म होगा, सुनना 1 मोल से 3 मोल जरूरत है, 1 मोल के लिए 3 मोल को जरूरत है, तो 1/4 के लिए कितनी की जरूरत होगी, तो 3/4 जरूरत होगी इसकी, 3/4 से ज्यादा है ना ये, हाँ 3/4 से ज्यादा है, मीन्स दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये जल्दी खत्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत बार सिखाया हूं, मीन्स ये 1 मोल से 2 मोल बना रहा है, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट, तो 1 मोल से 2 मोल, तो 1/4 मोल से कितना, तो 2 × 1/4 मोल, देखो डायरेक्ट, अब इसमें लिमिटिंग रेंज की कंसेप्ट यूज हो रही है, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2 1/2 मोल, ये बना 1/2 मोल। हमको केपी लिखने हैं, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होल पावर 3। सुनना हम लोग पार्शियल प्रेशर सबके निकाल लेते हैं और पुट कर देंगे इसमें, ये फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू पी टोटल
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एच थ्री। सुनना, पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एच थ्री इज इक्वल टू, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एच थ्री इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एन एच थ्री बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना होगा, 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2। आई होप कितने हो जाएंगे जी, 4 2 8 1 9 9 2 11 11 by 2 1 by 11। मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू निकाल लेते हैं। चलो एन टू का मोल 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 2/11, नहीं 1/22, नहीं तेरी नहीं रे, 1/2 है ना, ये थोड़ा सा अलग आएगा, 11/4 है, 1/2 है, तो 1/22 आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना, अगर राइटिंग मिस्टेक हो तो, ये 1/11 हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो कैलकुलेट कर लेना। ये आ जाएगा 2/1/4 प्लस 2 प्लस 1/2, 4 2 8 1 9 9 2 11, ठीक तो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11 by 4 to 4 by 22, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे मोल फ्रैक्शन। अब आराम से पुट करके सॉल्व कर लो, क्या है देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एच थ्री कैलकुलेट करना हो तो क्या होंगे, टोटल प्रेशर पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एच थ्री। पी टोटल कितने हैं, 1, एन एच थ्री के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 1/22, दैट इज इक्वल टू 1/22। पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू, 1 × 1/N2 के मोल फ्रैक्शन 11, ये हो जाएंगे 1/11। पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू, तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू, पी टोटल है 1, मोल फ्रैक्शन है 4/22, दैट मीन्स 4/22, ये हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें पुट करें तो के पी इज इक्वल टू आराम से आ जाएगा क्या, 1/22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का कितना है 1/11, h2 का कितना है 4/22 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएंगे अपने केपी, इस तरह से अपन आगे बढ़ सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत हो तो कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर।